नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। कहते हैं कि घर की इज्जत बेटी से जुड़ी होती है, परिवार का स्वाभिमान बेटी के सम्मान से जुड़ा होता है। जब बेटी घर की इतनी अहम कड़ी होती है तो फिर क्यों भेदभाव के फर्क उसके सपनों को घर की दीवारों में कैद कर देते हैं? यह ऐसा सवाल है जो बार बार परेशान करता है और समाधान के रास्तों की तरफ ले जाता है। हमारी कोशिश है कि समाज को इन पूर्वाग्रहों से मुक्त करें, ऐसी बेटियों को मंच दें जिनके पास हुनर है, हौसलों के पंख हैं, लेकिन अवसर नहीं है। हम हर सप्ताह हाजिर होते हैं ऐसी ही हुनरमंद बेटियों के साथ, जिन्हें अवसर मिला तो उन्होंने साबित करके दिखाया। इन बेटियों की उपलब्धियां देखकर आप भी कहेंगे, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए। हालात के चक्रव्यूह को भेदना था मुश्किल, लेकिन बुलंद हौसलों ने थके हारे पंखों में भर दी वो ताकत कि तूफान से टकराकर भी राह मंजिल की पकड़ ही ली। कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान की रहने वाली ऋचा गौर की। महज 6 साल की उम्र में ताइक्वांडो में अपनी काबिलियत का परिचय दिया और आज उस मुकाम को हासिल किया जहां पुरुषों के दमखम वाले क्षेत्र में अपनी दस्तक दी। कैसे, जानना चाहते हैं तो जरूर देखिए हमारे साथ, चलिए जयपुर, मिलवाते हैं आपको भविष्य के इस नए सितारे से। साहस ऐसा कि तूफानों से टकरा जाए, हौसला ऐसा कि चट्टान भी चूर चूर हो जाए, और सपने ऐसे कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। ये परिचय है गुलाबी नगर में रहने वाली ऋचा गौर का। मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने वाली राजस्थान की इस बेटी ने 6 साल की उम्र में ताइक्वांडो सीखना शुरू कर दिया था। छोटी सी बच्ची ने जब मार्शल आर्ट सीखने के सपने देखने शुरू किए तो जयपुर के MNIT कॉलेज में लाइब्रेरियन पिता के सामने बड़ा सवाल था। समाज की रूढ़िवादी सोच ने बेटी होने की दुहाई दी और बच्ची की जिद माता पिता को पिघलने को मजबूर कर रही थी। आखिरकार जीत मासूमियत की हुई, परिवार ने समाज की परवाह नहीं की, PF का पैसा निकाल कर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भेजा और बेटी भी पिता की उम्मीदों पर सोने की तरह खरा साबित हुई। ओलंपिक में क्वालिफाई करने का सपना देखने वाली ऋचा को अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल हासिल करना बेहद जरूरी है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए वो मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ रही है। राजस्थान की ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। मैं तूफानों में राह बनाती हूँ, मुश्किलें रोकती मुझको, रोड़े अटकाकर मैं मार कर ठोकर उन्हें राह बनाती जाती हूँ। ऋचा गौर ने इस हकीकत को अपनी जिंदगी में उतारा तो ऐसे ही खेल के मैदान में शुरुआत 30 साल पहले हरियाणा की एक बेटी ने की। मिलवाते हैं आपको गांवों की उस मिट्टी से उठकर दिल्ली पहुंचने वाली जगमती सांगवान से। देखिए कैसे केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों को महिला अधिकारों के लिए सजग और सतर्क करने में जुटी है ये तेज तर्रार महिला। जिस दौर में बेटियों और बहुओं का काम गोबर पानी और चौका चूल्हा हुआ करता था, उस वक्त इस बेटी की नजरें मैदान पर रहती थी। समाज का पिछड़ापन और गांव की रूढ़ियां आड़े आ रही थी, लेकिन आर्य समाज को मानने वाले पिता ने बेटी के सपने पूरे करने का फैसला किया। 1978 में स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला मिला तो कामयाबी मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले स्टेट, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भी दावा ठोक दिया। कामरेड इंद्रजीत ने जिंदगी भर साथ चलने का वादा किया। फिर भगत सिंह से प्रेरणा लेकर 23 मार्च 1985 को अपने संगठन की नींव रखी। पहले घर बाहर की साफ सफाई के लिए जागरूकता अभियान से शुरुआत की और फिर महिलाओं के अधिकारों की आवाज बनी। ऐसे में सामना हुआ खाप पंचायतों से। 2005 में झज्जर के रामपाल और सोनिया की शादी का मामला सामने आया और खाप ने दोनों को भाई बहन घोषित कर दिया तो जगमती ने मोर्चा संभाला और कानून के सहारे न्याय दिलाया। झूठी शान में होने वाली हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई और नतीजा ये हुआ कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही और खाप के फरमानों पर करारी चोट लगने लगी। खुद को कानून से ऊपर मानने वाली खाप पंचायतों को भी खुद को बदलना पड़ा। पिछले 30 सालों से जारी संघर्ष का ये सफर आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के पद पर पहुंच चुका है। हरियाणा की ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है।
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जगमती सांगवान ने यह साबित किया है, दुनिया में और देश में नाम रोशन किया है और आज सामाजिक परिवर्तन का जरिया बन रही है। तो मेघालय की रहने वाली एक बेटी ने अपनी दूरदर्शिता और क्षमता से खुद की तकदीर बदल डाली है। यह भी साबित किया है कि जरूरी नहीं हमेशा घर की अर्थव्यवस्था पुरुष ही आगे बढ़ाएं, जरूरी नहीं हमेशा पति ही परिवार चलाएं, जरूरी नहीं बौद्धिक कौशल की उम्मीद हमेशा पुरुषों से की जाए। समाज की गाड़ी के दोनों पहियों पर भरोसा करें तो कैसे रफ्तार पकड़ सकते हैं, देखिए इस सच को साबित करती ये कहानी। मेघालय की राजधानी शिलोंग से 35 किलोमीटर दूर एक छोटे से पहाड़ पर बसा गांव है उमरान, और इस गांव में रंग बिरंगे फूलों की क्यारी में खुशबू बिखेरने वाली इस बेटी का नाम है बर्नाटे खोंगसी, जो खासी जनजाति में रहने वाली एक साधारण सी महिला थी लेकिन आज सफल उद्यमी बन चुकी है। 7 बच्चों की परवरिश करना जब बर्नाटे के पति के लिए मुश्किल हो गया, तब परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने का फैसला पत्नी ने किया। 5 एकड़ जमीन में खेती की शुरुआत की, फसल की आमदनी से जरूरतें पूरी नहीं हुई तो मदद की गुहार लगाने कृषि विभाग के दफ्तर पहुंची और ये कोशिश कामयाब हुई। साल 2002 में हॉर्टिकल्चर विभाग ने बर्नाटे को फूलों की बागवानी के लिए एक शेड हाउस बनाकर दिया। शेड हाउस में कई तरह के फूलों के पौधे लगाए और यहीं से शुरू हुआ एक गृहिणी से सफल महिला किसान बनने का सफर। फूलों का कारोबार जब तेजी से बढ़ने लगा तो सरकारी दफ्तरों से लेकर बड़े बड़े कार्यक्रमों में बर्नाटे के फूलों की मांग बढ़ने लगी। इस बेटी की मेहनत और लगन को देखते हुए साल 2011 में पर्यटन विभाग ने उन्हें उन्हीं की जमीन पर एक रेस्टोरेंट खुलवा दिया और बर्नाटे एक किसान से एंटरप्रेन्योर बन गई। अब बारी अपनी सफलता दूसरी बेटियों से साझा करने की थी, लिहाजा गांव की महिलाओं के साथ मिलकर बर्नाटे ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। बदहाल किसानों के लिए ये बेटी एक मिसाल है तो लाखों लोगों के लिए एक सबक। मेघालय की ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। तो ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर कभी आपने सोचा है कि कैसे अंधेरों की तरफ जाने वाले रास्तों से भी मंजिल मिल सकती है, तो मिलते रहिए हमारे साथ ऐसी बेटियों से जिन्होंने इस सच को अपनी जिंदगी में उतारा है। अब बात दिल्ली के एक उद्योगपति की। पति की मौत के बाद अबला और बेचारगी नहीं बल्कि जिम्मेदारी बढ़ाने की जरूरत होती है। इस सच के साथ दिल्ली में एक डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ पति के सपने को पूरा करने की ठानी। कैसे ही डॉक्टर 15 सालों में करोड़ों की कंपनी की मालिक बनी, मिलिए डॉक्टर शोभा धवन से। देश भर के अस्पतालों को उनकी सेवाओं के आधार पर NABH सर्टिफिकेट देने वाले कुछ लोगों में से एक हैं डॉक्टर शोभा धवन, जो पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मेट्रो हॉस्पिटल की मेडिकल डायरेक्टर भी। लेकिन पिछले कुछ सालों से मरीजों को देखने का काम ये सप्ताह में सिर्फ 2 दिन करती हैं, बाकी 5 दिन गाड़ियों की दुनिया के व्यापार में मशगूल रहती हैं, क्योंकि गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले 100 से ज्यादा तरह के रबर पार्ट बनाने वाली ये 4 कंपनीज की MD हैं। मुंबई में जन्मी शोभा ने देश और विदेश में हर जगह बतौर गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस की। इंजीनियर पति ने जिस शहर और देश में नौकरी की वहीं पर किसी स्थानीय अस्पताल और घर पर मरीजों की कतार। लेकिन 1996 में पति की अचानक मौत के बाद उस वक्त दिल्ली में रहने वाली एक बेटी की इस माँ के लिए रास्ते सीमित हो गए थे। दरअसल शोभा के पति JK टायर में वरिष्ठ इंजीनियर थे। जिस वक्त उनकी मौत हुई उसके बाद पत्नी ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से मदद मांगी और एशिया की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब से ट्रेनिंग और रेसिपीज ली। मेक इन इंडिया की जिस मुहिम को आज प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं उसी दिशा में काम करना शुरू किया और जल्दी ही हीरो होंडा और MLM जैसी बड़ी कंपनीज को रबर पार्ट मुहैया कराने लगी। यही वजह है कि केंद्र सरकार प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है, मेडिकल में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है।
यानी सफलता एक दिन में हासिल नहीं होती, पहले सपने के रूप में एक बीज बोया जाता है, फिर उसे हिम्मत की खाद से पोषित और मेहनत के पानी से सींचा जाता है, तब कहीं जाकर कामयाबी के फल लगते हैं। ये साबित किया है एंटरप्रेन्योर डॉक्टर शोभा ने। तो कुछ ऐसी ही कहानी है यूपी की एक बेटी की। बचपन से आंखों में कुछ हटकर कर दिखाने के सपने पल रहे थे, अपनी अलग पहचान बनाने की चाह में धीरे धीरे मंजिल की तरफ कदम बढ़ाती रही और गिनती आज दुनिया की बेस्ट सेलर्स की किताब की लेखिका के रूप में होती है। मिलिए इरा त्रिवेदी से। 20 साल की उम्र और लेखन की दुनिया में बड़ी जगह बनाने वाली, लखनऊ जैसे पारंपरिक शहर में जन्म लेकर लिव इन रिलेशन की पैरवी करने वाली और अमेरिका में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हुए भी सेक्स वर्कर्स के जीवन को समझने वाली, ये देश की ऐसी बेटी हैं जिनकी लिखी किताबें बेस्ट सेलर्स की फहरिस्त में शुमार हैं। बचपन से मिले संस्कारों को सही दिशा में उपयोग करने वाली इस बेटी का नाम इरा त्रिवेदी है, जिसने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, लेकिन उसी मॉडलिंग की दुनिया के सच को सामने लाने के लिए लेखन का रास्ता चुना। लेकिन इरा के नॉवेलिस्ट बनने के पीछे 2005 के मिस इंडिया प्रतियोगिता की अहम भूमिका है। इस प्रतियोगिता के अनुभवों को साझा करने के लिए ही 20 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी और ग्लैमर की दुनिया की काली परतें सामने रखी। उन्होंने देश में बदलते सामाजिक बदलावों को नॉवेल की शक्ल दी। नशे की लत में बढ़ते युवा हों या फिर शादी से पहले यौन संबंध, इरा ने इन सब क्षेत्रों पर खुलकर लिखा। और फिर 2014 का वो दिन आया जब नई किताब इंडिया इन लव सामने आई, जिसमें यौन संबंधों को लेकर आ रहे बदलावों को भारत में नई सेक्स क्रांति का नाम दिया गया। लोगों ने उनकी रिसर्च और मेहनत को समझा और उनकी किताब बेस्ट सेलर्स की गिनती में शुमार हुई। योग की महत्ता दुनिया में पहुंचाने की कोशिश कर रही इस बेटी की नई पहचान नमामि योगा है और मकसद है आधुनिक तरीकों से योग को दुनिया भर में पहुंचाना। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुद इरा त्रिवेदी। वेलकम। सबसे पहले यही बताइए कि 10 साल पहले तकरीबन 2005 में जब आपने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपने लेखन का रास्ता चुना? जैसे शॉकिंग थे इतने मेरे लिए ग्लैंड थे, क्योंकि मैं तो एक छोटे से शहर की एक लड़की थी। मैं भोपाल में थी उसके पहले और मैं अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रही थी। आई वॉज़ वेरी स्टूडियस, वेरी एकेडमिक। मेरे लिए ऐसा थोड़ा सा शॉकिंग था, आई सेड कि इसके बारे में मुझको लिखना ही पड़ेगा। आप उस वर्ल्ड को जानना चाहती थी, उस दुनिया को देखना चाहती थी, इसलिए आपने उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था? एग्जैक्टली। तो आई थिंक छोटेपन से ही मेरा बहुत क्यूरियस माइंड हुआ करता था कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या लोग बोल रहे हैं, इस मेरे घर में क्या हो रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है। तो वो ही क्यूरियोसिटी थी जिसने मेरे मन को बोला कि आप इसमें पार्ट लीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले जब आप मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में गई, उससे पहले आपने कभी मॉडलिंग भी नहीं की थी? बिल्कुल भी नहीं। मुझको तो प्रॉब्लम होती थी हाई हील्स में चलने की। तो मैं जब वहाँ गई और मैं देखा कि माय गॉड, ये लड़कियाँ ऐसे हाई हील्स का पहन के चल रही हैं, मुझको तो डर लग गया। और उनके मेकअप के इतने बड़े बड़े वैनिटी केसेस, उसको देख के मुझको काफ़ी डर लग गया। लेकिन फिर आप क्या सोच कर गई थी वहाँ पे, क्योंकि मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने वाले तो ग्लैमर की दुनिया से, मेकअप की दुनिया से आने वाले लोग ही होते हैं। पता है, मुझको लगा था, और ये शायद से बहुत नाइव थी, कि एंड आई थिंक एक पुराने ज़माने में ऐसी एक सोच हुआ करती थी कि जो एक मिस इंडिया है एक्चुअली एक मिस इंडिया है जो अपने देश के लिए अच्छा काम करती है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा काम करती है। तो मैंने सोचा था कि कहीं एक ऐसी जो ऐसी एक मिस इंडिया होनी चाहिए। आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ था? मुझको ये भी नहीं मालूम अभी तक मुझको ये बिल्कुल ये समझ भी नहीं कैसे सिलेक्शन हुआ। आई थिंक उस ज़माने में इंटरनेट भी इतना हुआ नहीं करता था, तो लिटरली न्यूज़पेपर में ऐड आते थे और उस ऐड को मैंने काटा, एक फोटोग्राफ चिपकाई और उसको मेल पोस्ट में किया। आई थिंक मुझको तो लगता है कि डेस्टिनी होगी। फाइनल टेंट तक पहुंचने में कितना वक्त लगा था? उस प्रोसेस में क्या क्या हुआ था? आपसे क्या क्या पूछा गया था? उसके लिए तो आपको फिर बुक पढ़नी पड़ेगी। उस बुक में मैंने काफ़ी डिटेल में लिखा है कि क्या क्या 30 डेज का प्रोसेस होता है, क्या क्या उन दिनों में हुआ, क्या क्या लोगों ने बोला, क्या क्या वहाँ ने मैंने ऑब्जर्व किया। तो ये बुक आई थिंक, पर द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि दिस बुक टुक मी अबाउट 1 month टू राइट। एक महीने में मैंने ये पूरी किताब लिख डाली और मैंने अपने आप को बोला था कि मैं 10 घंटे लिखूंगी रोज और 1 घंटे में मैं 1 पेज लिखूंगी।
और उसके आखिरी दिन पे जब मैंने 300 पेजेस कंप्लीट कर लिए थे, मैंने इस मैन्युस्क्रिप्ट को 5 पब्लिशर्स के यहाँ भेजा और मैं रुकी रही और रुकी रही। फिर मुझको लगा कि इन लोगों को मिला कि शायद से कहीं वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, और एकदम से रिप्लाई चालू हो गया आना। और पहले नो 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 नो, सबसे नो 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 सुनने में आया। और फाइनली एक दिन एक ईमेल आई पेंगुइन बुक्स से, दुनिया का सबसे मशहूर पब्लिशर है, और वहाँ से एक कॉल आया कि हम आपकी बुक पब्लिश तो कर लेंगे पर हम आपको एक 5,000 रुपीज़ का पेमेंट देंगे इस बुक के लिए। तो मैंने बोला कि चलिए ठीक है, 5,000 रुपीज़ मिल गए, बुक तो आ रही है। और फिर वो बुक निकली, करीब 4 महीने में मैंने बुक पब्लिश कर दी। यूजली बुक प्रोसेस टेक्स मच लॉन्गर, और जैसे ही वो बुक निकली वो एक बेस्ट सेलिंग सक्सेस हो गई। कितनी कॉपीज बिकी उसकी? उसकी करीब अभी तक बिक रही हैं वो कॉपीज, अभी तक 10 साल पहले। अब तो वो 5th रीप्रिंट में शायद से उसके पता नहीं कितने रीप्रिंट्स आ चुके हैं, काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है ये बुक। अब इसकी राइट्स हम, मैंने एक बार तो भेज दी थी मूवी राइट्स पे, अब डिस्कशन चल रहा है कि ये टीवी शो बने। आई थिंक उस टाइम पे वो बुक ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए बेस्ट सेलिंग चार्ट्स पे रही। और फिर काफ़ी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई ये बुक, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों हुई थी? क्योंकि ये एक काफ़ी एक मशहूर पेजेंट है अपने देश का, मिस इंडिया, और किसी ने उसके उसको एक्सपोज किया कि क्या होता है इस पेजेंट में। तो आई थिंक उस वजह से थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई। थोड़ा सा उसमें यू नो फेवरेट्स होते हैं कि थोड़ी सी ये थोड़ा सा जैसे थोड़ा बहुत करप्शन होता है उसमें, थोड़ी बहुत यू नो जो एक्चुअली मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो मैंने आई वुड आई थॉट हैपेंड मैंने इस बुक में लिखा है कि मैंने जो द आइडियाज आई थॉट दैट द पेजेंट वाज प्रोपेगेटिंग। आपने एक महीने के दौरान जो कुछ अनुभव किया उसको उस किताब में लिखा है। हाँ जी। उसी के बेसिस पे आपको लगता है कि पूरे मिस इंडिया कॉम्पिटिशन में ही करप्शन होता है, फेवरिज्म होता है थोड़ा बहुत? हाँ। उसी के बेसिस पे? उसी के बेसिस। लेकिन वो एक महीना क्या पर्याप्त है उस बात को जज करने में, उस पूरे कॉम्पिटिशन को सालों से जो चल रहा है? नहीं, प्रोबेबली नॉट। पर ये जो किताब है ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बारे में है, और मैंने उसी वजह से ये बुक लिखी। तो आई थिंक, और ये मैंने काफ़ी क्लियर किया था उस बुक पे उस टाइम पे कि मैं बस एक पार्टिसिपेंट हूँ और ये मेरे खुद के पर्सनल व्यूज़ हैं। जब थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल हो, जब टाइम्स ऑफ इंडिया या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला कि ये बुक तो बहुत ही बुरी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। तो ईरा ने किन किन विषयों पर लिखा है और उनकी लेखनी को दुनिया में किस तरह सराहना मिली है ये हम समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है एक बार फिर से आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ हैं ईरा त्रिवेदी, दिल्ली की एक ऐसी बेटी जो लेखन की दुनिया में नया सितारा बन रही हैं। ईरा, ये बताइए कि जिन विषयों को आपने चुना उन पर कम से कम बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए लिखना थोड़ा सा अगर हम कहें असहज है, स्वाभाविक नहीं है? अब मुझको तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट आई थिंक कि आजकल की जो औरतें हैं उनको, उनके पास आवाज़ नहीं है। तो मेरा गोल ये है कि जो इंडिया की जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उनके जो अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं वो मैं बताऊं। अभी मैंने बस एक आर्टिकल, एक बहुत जो पूरे मीनिंग जो अमेरिका में बहुत एक उन्हें काफ़ी इस इशू पे बहुत रैम्पेज हो गया, जैसे मैंने ये आर्टिकल लिखा तो वो था डाउरी के बारे में, वो था ब्राइड्स के बारे में। जैसे हमारे देश में ब्राइड्स को बेच, लड़कियों को ब्राइड्स की तरह बेचते हैं और डाउरी की प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इन विषयों पे लिखती हूँ, जो औरतें के विषय हैं, जो वुमेन्स इश्यूज हैं और जो हिडन इश्यूज हैं, जो लोग जिन पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो आजकल मेरा फोकस ये हो गया है। ये जो मीडियम रीच करने वाली बात है, इसमें स्पेशली वुमेन्स, वो अपने अधिकारों को लेकर ज़्यादा सजग हो रही हैं, सक्रिय हो रही हैं और बाहर निकल रही हैं, ये आपका सबसे ज़्यादा दिल के करीब विषय है? डेफिनेटली, डेफिनेटली। लेकिन ये बदलाव हमारा समाज स्वीकार करने को तैयार है? आई थिंक सो, डेफिनेटली। मेरे बुक में एक ये मेजर फाइंडिंग था कि जो अरेंज्ड मैरिज है उस, वो काफ़ी बदल रहा है। एक तो लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और सेकेंड चीज़ ये है कि
जो अरेंज मैरिज जैसे पहले होती थी पहले ज़माने में वो बिल्कुल वैसे अब नहीं हो रही है. मैंने मैरिज ब्रोकर्स के साथ काफ़ी टाइम बताया, इनफैक्ट इतना टाइम बताया कि मैंने खुद 4 शादियाँ करा दी वहाँ बैठे बैठे. तो आपके मुताबिक कॉलेज में एजुकेशन के साथ साथ जो बच्चों में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, ये लव इन इंडिया है? डेफिनेटली नॉट. आई थिंक जो हो रहा है वेस्ट में तो बहुत सालों पहले हो ही चुका है, और हमारे कंट्री में अब जैसे कॉलेजेस में स्कूल्स में, अब कॉलेज की बात छोड़िए स्कूल्स में चालू होता है. पहले तो सिस्टम था कि लड़कियां एक साथ पढ़ें और लड़के एक साथ पढ़ें, कॉन्वेंट स्कूल्स हुआ करते थे. कॉलेजेस भी काफ़ी कॉलेजेस, जैसे मेरी मदर हैं वो ऑल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हैं, मेरी जो दादी हैं वो ऑल वुमेंस कॉलेज में पढ़ी हैं. बट इस ज़माने में जो सबसे इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं वो सब कोएड ही हैं. अब बहुत कम लोग जाना चाहते हैं ऑल वुमेंस कॉलेज. अब ऑल बॉयज़ कॉलेज तो पता नहीं रह हैं कि भी नहीं. तो आप जिस लेखन की दुनिया में हैं, हाँ. आपके पेरेंट्स क्या आपके इस बदलते दौर में, आप अगर शादी न करने का फैसला करें, जीवन में शादी नहीं करना है और आपको लिव इन रिलेशन में रहना है, तो आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे? आई थिंक मेरे पेरेंट्स जो हैं, मैं बहुत लकी हूँ कि वो बहुत ओपन माइंडेड पेरेंट्स हैं और बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं. तो आई थिंक अगर वो अभी तक मेरी ज़िंदगी में मैंने जो भी काम किए हैं उसमें काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं और सही एडवाइस दिए उनने, तो आई थिंक मैं जो भी डिसीजन लूँ, शादी का या बिकमिंग अ मदर या हैविंग अ बॉयफ्रेंड या चूजिंग माय हस्बैंड या लिविंग विद समवन या जो भी है, आई थिंक माय पेरेंट्स वुड गिव मी द एडवाइस, और मैंने ऑलवेज उनकी एडवाइस सुन के ही डिसीजंस ली हैं. तो आई थिंक जो अब जो भी सिचुएशन आई, आई वुड डेफिनेटली कंसल्ट देम एंड टेक देयर एडवाइस. इरा, हम समझेंगे कि इन जिन विषयों पर आप लिख रही हैं उनसे समाज को क्या मिलेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ. ये इरा त्रिवेदी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. हम बातचीत कर रहे हैं इरा त्रिवेदी से और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बोल्ड विषयों पर लिखने की अगर शुरुआत उन्होंने की तो इससे समाज को क्या मिला. इरा, इन विषयों से आप क्या कहना चाहती हैं समाज को? यही कि सबसे पहला इशू है अवेयरनेस. हमारे समाज को अवेयर होना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है. और अभी तक ऐसी कोई बुक नहीं निकली है जिनने इन इशूज़ को एक साथ डाला है कि मैरिज में क्या हो रहा है, अब सेक्सुअलिटी में क्या क्या हो रहा है, अपने देश में सेक्सुअल वायलेंस इतना क्यों हो रहा है. सेक्सुअल वायलेंस की बातें तो करते हैं हम लोग, पर इसके रीजंस क्या हैं. तो इसमें मैंने पूरी रिसर्च करके ये बुक लिखी है, बिकॉज आई थिंक टू फाइंड अ सोल्यूशन जो सबसे पहला स्टेप होता है वो अवेयरनेस होती है. बहुत सारी युवा पीढ़ी है जो शायद लेखन की दुनिया में थोड़ा बहुत अपना रुचि रखती ज़रूर होगी और पढ़ने की दुनिया में शायद थोड़ा ज़्यादा, वो कुछ आपसे सवाल पूछना चाहते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि आपने इतने सेंसिटिव टॉपिक पर किताब लिखी है, और हम सब ज़रूर कोशिश करेंगे उस किताब को पढ़ने के लिए. रेप केसेस अगर आज के समय में ज़्यादा बढ़ रहे हैं पहले के मुकाबले में, तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के केसेस पहले से ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? माइग्रेशन की प्रॉब्लम है एक तो, जो एक जेंडर सेंसिटिविटी को जो हमारे देश में काफ़ी इम्बैलेंस हो गया है वो प्रॉब्लम है. एक तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फीमेल फीटिसाइड से जुड़ा हुआ, ये कि हमारे जो सोसाइटी में जो रेशियो है मेन एंड वुमेन का वो काफ़ी अनबैलेंस हो गया है. आपकी बुक्स को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रोत्साहन मिला है आपको? अब काफ़ी, इनफैक्ट काफ़ी, जैसे जो गवर्नमेंट के और पैनल्स जो होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसको मुझको बुलाया जाता है टू गिव माई व्यूज़, टू गिव माई ओपिनियंस. तो इस ओर से मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ जो उनके डिसीजंस बन रहे हैं, तो उसमें मैं अपने सोच के तरीके से आई होप कि थोड़ा सा इसको सुन लें जो मैंने अपने बुक में लिखा है. इराज की मम्मी, एक लास्ट सवाल आपसे लूँगी. आप क्या सपना देखती हैं इरा के लिए, क्या भविष्य देखती हैं इरा के लिए, और आज के लेखन के जो विषय हैं उनका क्या भविष्य देखती हैं जो इरा ने चुने हैं? जब मैं इनसे बात करती हूँ कि एस्पिरेशंस रहते हैं, विजन रहता है कि अब मैं ये करूँ, ऐसा करूँ जिससे सोसाइटी में कुछ असर हो, एक हायर एक हमेशा थिंकिंग रहती है कुछ करने के लिए, एंड हम लोग उसको हमेशा ही, यू नो, इट्स ऑलवेज, इन फैक्ट बड़ा वी फील वेरी प्राउड कि बहुत अच्छा विजन है, बड़ा अच्छी बड़ी सोच है. नॉर्मल सोच तो सभी कर लेते हैं, पर एक सोच अगर है तो वहाँ राह भी अपने आप हो जाएगी ना. जी,
बहुत बहुत शुक्रिया ईरा हमारे साथ यहाँ पर अपने अनुभव साझा करने के लिए। छोटी सी कोशिश, छोटी सी बेटी की, लेकिन बात बड़ी, इतनी बड़ी कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और इस सूरत बदलने के लिए वो अपनी किताबों के जरिए समाज में महिलाओं के लिए और पूरे हर तबके के लिए एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में ये जो बदलाव की कोशिश है वो निश्चित रूप से सफल होगी और ऐसी ही दूसरी बेटियां भी हमारे आसपास निकल कर आएंगी। हमारी ये कोशिश भी जारी रहेगी। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही और बेटियों के साथ।